अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। हम मौजूद हैं अभी सिवान के हरदिया रोड में और ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ बदमाश पहुँचे हुए थे और यहाँ पे तोड़ फोड़ करके वो चले गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि सिवान के हरदिया रोड में है कि किस तरीके से जो ऑफिस है उसमें तोड़ फोड़ किए गए हैं। तमाम जो कांच के जो शीशे थे उसे तोड़ दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कि लुब्रिकेंट्स है जो मोबिल होते हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसको छीट दिया गया है। दरवाज़ा है, मुख्य ऑफिस का जो दरवाज़ा था इसको तोड़ दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम है सिवान के हरदिया मोड़ पे, हरदिया रोड में, वहाँ की ये स्थिति है। ये देख सकते हैं कि इससे पेमेंट होता था, जो मशीन है ये, और उसके बाद से इसकी भी वही स्थिति है कि बिल्कुल इसकी भी तोड़फोड़ की गई है। अंदर आप देखिए ऑफिस में कि ऑफिस में किस तरीके से तोड़फोड़ किए गए हैं। काफ़ी यहाँ पर शीशे टूटे फूटे बिखरे हुए हैं और तमाम यहाँ पर जो सामान है, जो अंदर में जो लुब्रिकेंट्स हैं, जो मोबिल हैं, बड़े बड़े जो उसके यहाँ पे जो रखे गए हैं कैरी बैग, जो देख सकते हैं आप, इसमें ऑफिस में भी तोड़ फोड़ की गई है। तो ये कुछ कितने की संख्या में बदमाश आए थे, क्या कुछ था, ये हम खालिद जी जो इसके प्रोप्राइटर हैं इनसे बात करेंगे। तमाम आसपास के लोग यहाँ पे, जैसे इसकी जानकारी हुई है, लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक स्कूटी है उसको भी तोड़फोड़ किए गए हैं, नई स्कूटी लग रही है, ये भी आप देख सकते हैं कि होंडा एक्टिवा है और यहाँ पे भी उसके आगे के जो पार्ट्स हैं इसको भी तोड़ दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बदमाशों का मनोबल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इस तरीके से जो पेट्रोल पंप पर आ करके यहाँ पे बड़ी वारदात करने का अंजाम दिया गया है और फिर वो निकल गए आसानी से। तो पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर दिन दहाड़े इस तरह की घटना घट जा रही है, पेट्रोल पंप पे इस तरीके से बदमाश आकर के और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आज आकर के यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, तो आखिरकार सुरक्षा तो इन्हें देनी होगी। हम इनसे बात करेंगे खालिद जी से कि खालिद जी, पूरा मामला क्या है और ये जो तोड़ फोड़ किया गया है क्यों किया गया है, कौन लोग थे जो तोड़ फोड़ किए हैं? मैं घर पे था, यहाँ स्टाफ द्वारा फ़ोन गया कि भैया करीब 50 के लोग करीब में महापुर गांव के लोग पूरा एकदम तो मारपीट करने तोड़फोड़ के लिए गांव अपने पंप पे पहुंच गए, आप जल्दी आइए, प्रशासन भेजिए। मैंने वहीं से प्रशासन को फ़ोन किया तो थोड़ी देर बाद प्रशासन आई, तब तक ये पूरा ऑफिस का तोड़फोड़ और गाड़ी के डिस्प्ले मशीन वगैरह सब तोड़फोड़ कर दिया गया है। और डिस्प्ले वगैरह मशीन की तोड़फोड़ में 2-4 दिन रिपेयर होने में लग जाएंगे, बहुत से उसका प्रोसीजर है, तो 2-4 दिन सेल भी अभी डिस्टर्ब रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपके ऑफिस में भी अंदर घुस कर भी तोड़फोड़ किया गया है, जो उसके मुख्य दरवाज़ा है उसे भी तोड़ दिया गया, शीशे भी पूरे कांच के यहाँ पे तोड़े गए। जी, ये ऑफिस का दरवाज़ा तोड़ दिया गया, ल्यूब वगैरह इधर था सब इधर उधर फेंक दिया गया। ये आप देख सकते हैं AGS मशीन है, ये भी फेंका पड़ा हुआ है, ये नया गाड़ी परसों ही खरीदे थे, यहाँ ये भी गाड़ी को भी तोड़ दिया गया। पीछे भी देख सकते हैं मेरा गैस की गोदाम भी है। अच्छा, इस पेट्रोल पंप के ठीक पीछे, हाँ करीब 100-200 मीटर पीछे है और करीब 2-3 बार गोदाम में चोरी हुई है। मैंने FIR भी किया है, पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, हमेशा अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। आखिर खालिद जी, आखिर ये कौन लोग हैं कि जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए, कारण क्या है इसका? यहाँ अगल बगल के लोग हैं, रंगदारी की डिमांड करते हैं हमेशा कि महापुर में रहना है, पंप चलाना है तो इधर देना पड़ेगा पैसा। अच्छा। और हमारे सामने तो नहीं बोलते, मेरे स्टाफ को ही आके धमकी देते हैं, जब हम रहते हैं तो कोई आता नहीं है यहाँ पे। अच्छा। तो इसकी शिकायत आप पहले पुलिस प्रशासन से किए हुए हैं कि रंगदारी मांगी जाती है? नहीं, रंगदारी के तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मेरे गैस गोदाम में उसी से रिलेटेड 2-2 बार चोरी हुई है, तीसरा बार भी चोरी हुई थी, लेकिन उस वक्त मैंने FIR नहीं किया कि 2-2 बार मैंने FIR किया, कोई एक्शन नहीं होता है। तो उनकी पहचान हुई है कि कौन लोग थे? अभी CCTV कैमरा है, इसमें सब कुछ लोग दिख रहे हैं, CCTV फुटेज से एक एक लोग को निकाल के सबकी पहचान कर। आप लोग पहचान सके हैं कि कौन लोग हैं? जी, एक कोई बालेश्वर, सुनने में आ रहा है कि बालेश्वर कोई थे, उन्हीं के द्वारा भड़काया गया, वही लोग लेके आए हुए थे। तो आखिर ये भड़काने वाली जो बात है, शुरुआत क्यों हुई, आखिर क्या कारण रहा? तो कारण तेल लेने के लिए आए थे या फिर अचानक ऐसे ही? नहीं, तेल लेने के नहीं, इधर से दौड़ते हुए आए और अचानक से
ऐसा ये लोग घटना का अंजाम दिए। कितने की संख्या में वो लोग थे? करीब 25-30 तो दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, बाकी और भी लोग थे जो इधर उधर दौड़े हुए थे। प्रशासन को मैंने फ़ोन कर दिया था तो लोगों को पता चल गया था कि प्रशासन आ रही है, तो कुछ लोग इधर उधर होने लगे। आने के बाद प्रशासन के लोग आए थे, सराय ओपी थाने में आता है जी, सराय ओपी में हमने थाना इंचार्ज को फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत थाना को भेजा। जी, अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि इस तरह की घटना यहाँ ना हो। ये आप देख ही सकते हैं, ये व्यवसायियों का इधर गोदाम है। मतलब सिवान के मानिए तो बड़े बड़े व्यवसायी का इधर बिजनेस है। अगर यहाँ पे इसी तरह रंगदारी महापुर गांव के लोगों के द्वारा किया जाएगा तो इधर कोई कैसे बिजनेस करेगा? मशीन को भी क्षति जी, मशीन को भी, दोनों मशीन अभी डीजल पेट्रोल सबकी सेल बंद हो गई है, दोनों मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आपने सुना कि खालिद जिससे बातचीत हुई और जो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल देने वाली जो नोजल जिसको बोलते हैं मशीन जो है, वहाँ भी जैसे कि इनका कहना है कि इसमें भी तोड़फोड़ किए गए हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इस जो मीटर यहाँ पे जो बताता है सब कुछ, यहाँ पे भी तोड़फोड़ कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक इसे दबंगई कही जाएगी और बिल्कुल गुंडागर्दी कही जाएगी। और जिस तरीके से इनका कहना है कि महापुर के लोग थे, तो प्रशासन को चाहिए कि चिन्हित करें कि आखिरकार वो कौन लोग थे और घटना को अंजाम क्यों दिए। और ज़्यादा तादाद में आए थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रशासन छानबीन करे और बिल्कुल उसमें जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उन बदमाशों का मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। जब वो लोग आए हैं तो क्या कुछ पूछे हैं या ऐसे ही मारने लगे? क्या हम वहाँ पे आकर रूम से निकल कर यहाँ पे खड़े थे, उधर से आया लोग और पुकार कर कौन है ऐसे बोल कर हम मारने लगे। उसके बाद नहीं पूछे कि हाँ कौन है, क्या हुआ है, ये सब नहीं पूछे और आकर मारना चालू कर दिए। कुछ कारण नहीं बताएं क्यों मारा? नहीं, केवल बोला कि कौन है बस ऐसा ही आकर मारने चालू कर दिए। तो आप पहचान रहे हैं कौन कौन लोग थे? जी नहीं, इधर ही बगल का लोकल थे। तो आप पूछे नहीं कि क्यों मार रहे हैं भाई? तो पूछने का मौका ही नहीं दिया, आए और बस मारपीट चालू कर दिया। मारने लगे? कितने की संख्या में लोग थे? 40-50 के थे। और कुछ हाथों में लिए थे या फिर खाली? फावड़ा कुदाल सब डंटा वगैरह। तो आपको चोट भी लगी है? जी, कमर पे लगी है, यहाँ पे उठा कर पटक दिया, यहाँ पे सिर पे और कमर पे। अपना नाम बताओ? मिथिलेश कुमार। क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे पंप नोजलमैन करते हैं। देख सकते हैं दूसरी तरफ भी जो मशीनें हैं, मशीन जो है इसको भी, इस मशीन में भी यहाँ पे भी तोड़फोड़ कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मशीन में तोड़फोड़ की गई है तो फिर यहाँ पे जो पेट्रोल या डीजल का जो कार्ज होगा ये बिल्कुल यहाँ पे बंद रहेगा 2-3 रोज तक। जब तक वो ठीक नहीं हो सकता है तो फिर यहाँ पे काम नहीं हो सकता है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ यहाँ पे टाइगर मोबाइल के भी जवान पहुँचे हुए हैं, हालांकि इन लोगों के आने के पहले जो बदमाश थे वो निकल गए थे। तो जाहिर सी बात है कि दिन दहाड़े और इस तरीके से एक पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों को आना यहाँ पर और भारी तादाद में कुछ लोगों को ला करके और यहाँ पे तोड़फोड़ करना, यह एक बड़ी घटना और कहीं ना कहीं पुलिस को एक यह कहा जाएगा कि बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को पुलिस किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, कब तक बदमाशों को चिन्हित करके और सलाखों के पीछे भेजती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर दरबार मार्केट मेन रोड सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर दरबार मार्केट मेन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9709945298789312293।